की गई है। नोटिस में अंकित दास को एसआईटी ने तलब किया है। तमाम एविडेंस के साथ एसआईटी ने तलब किया है। घटना के दिन अंकित दास मौके पर मौजूद था। अंकित के ड्राइवर से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। 13 अक्टूबर को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दी गई है। उदयगंज आवास पर लखीमपुर पुलिस का नोटिस है। ये लखीमपुर क्राइम ब्रांच में बयान देने के लिए बुलाया गया है। अनूप इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनूप, हुसैनगंज में अंकित दास के घर पर नोटिस चस्पा की गई है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए बिल्कुल राहुल, जो लखीमपुर मामले में जो एसआईटी है, जो जांच कर रही है टीम, उसने एक धारा 160 सीआरपीसी के तहत जो पूछताछ के लिए जो है नोटिस अंकित दास के घर पे चस्पा कराया है और 13 अक्टूबर को अंकित दास को तलब किया है, जब अंकित दास को जो है लखीमपुर में एसआईटी के सामने पहुंचना होगा और अपना जो पक्ष है, जो अपने तमाम एविडेंस के साथ वो पहुंच कर अपना बयान जो है दर्ज कराने को कहा गया है। क्योंकि लगातार जो अंकित दास की जो तलाश है वो एसआईटी की टीमें कर रही है, पुलिस की टीमें कर रही है, लेकिन अंकित दास जो है वो फरार चल रहे हैं, वो पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं। कुछ दिन पहले अंकित दास के जो ड्राइवर है, जो ड्राइवर मौके पे घटना स्थल पे बताया जा रहा है कि मौजूद था, अंकित दास उस गाड़ी में भी मौजूद थे। लिहाजा अंकित दास की जो गाड़ी है वो मौके पे घटना स्थल पे पाई गई थी, जिसके बाद से अंकित दास लगातार जो है फरार चल रहे हैं। तो लिहाजा अंकित दास को भी जो है नामजद किया गया है। जो धाराएं मंत्री के बेटे पर लगी है वही धाराएं अंकित दास के ऊपर भी हैं, तो उन्हीं मामलों को लेकर के अंकित दास की तलाश लगातार एसआईटी टीम कर रही थी और ड्राइवर से पूछताछ के बाद जो है ये नोटिस चस्पा किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि एसआईटी को कुछ ऐसे मिले हैं जो सीधे तौर पे अंकित दास की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अंकित दास जो है वहां पर मौजूद थे, उनकी संलिप्तता रही है। लिहाजा अब अंकित दास को 13 अक्टूबर को एसआईटी सामने पहुंचना होगा और 160 सीआरपीसी के तहत जो बयान है वो जो है दर्ज कराने होंगे। अब इसमें देखना होगा कि अंकित दास की संलिप्तता किस तरह पाई जाती है, क्योंकि एसआईटी का मानना है कि अंकित दास मौके पर मौजूद थे, उसके बाद से लगातार ये फरार हुए हैं, इनकी गाड़ी भी वहां पर पाई गई है। जो ड्राइवर था, ड्राइवर की ये खुल के पूछताछ में सामने आ रहा है कि ड्राइवर जो अंकित दास को छोड़ने गया था, यानी फरार कराने में ड्राइवर का भी जो है रोल रहा है। लिहाजा ड्राइवर से पूछताछ के बाद ही जो है अब एसआईटी की टीम ने लखनऊ उनके हुसैनगंज स्थित जो अंकित दास का मकान है वहां पर ये नोटिस चस्पा किया है और 13 तारीख का जो दिन है वो मुकर्रर किया है, जब एसआईटी के सामने पहुंच के अंकित दास को अपना जो बयान है, अपना जो पक्ष है वो रखना होगा। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका अनूप कुमार। मुजफ्फरनगर में दो पक्षों में मारपीट हुई है। रुपयों के विवाद में दोनों पक्षों में